नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक लोकसभा और तीन विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार थम गया है। चारों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है। इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर है। दोनों दलों के बड़े नेताओं ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश के चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार का शोर थम गया है। इस बार चुनाव प्रचार का शोर चुनाव आयोग के निर्देश पर 72 घंटे पहले ही बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत दोनों दलों के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 50 से अधिक सभाएं की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 सभाओं को संबोधित किया। वीडी शर्मा ने बूथ सम्मेलन, महिला सम्मेलन, 40 से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खटीक और पूर्व सीएम उमा भारती ने भी प्रचार किया। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, सचिन पायलट ने चुनावी सभा की। चार सीटों के उपचुनाव के प्रचार में सरकार के 20 मंत्री मैदान में उतरे। कांग्रेस के 30 पूर्व मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान जहां नेताओं ने जमकर प्रचार किया, वहीं प्रचार के जोश में नेता मुद्दों से भटकते भी दिखे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वीडी शर्मा को लेकर निक्कर वाला बयान दिया। पीएम मोदी को कमलनाथ ने डायरेक्टर कहा। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक्टर बताने वाला बयान दिया। सीएम शिवराज का गरीबों के यहाँ भोजन करना भी चर्चा में रहा। सीएम शिवराज का कार्यकर्ताओं के यहाँ रात्रि विश्राम करना भी चर्चा में रहा। इस पृथ्वी पर दो लोगों को जनार्दन कहा जाता है, एक भगवान को, एक जनता को। जनता जब मोहर लगा देती है तो समझ में आता है कौन ने मुंह चलाया और कौन सरकार चला रहा है। मुंह चलाने चलाने में सरकार चली गई। पूरे चुनाव में एक उपलब्धि नहीं बता पाए अपने कार्यकाल की। हम पर आरोप लगाते रहे, बस 15 महीने की एक उपलब्धि नहीं है। ऐसी आक्रमण सरकार आपने देखी नहीं होगी, ऐसा आक्रमण नेता नहीं देखा होगा। 27 लोग 27 महीने में विधायक छोड़ के जा चुके, उस प्रदेश अध्यक्ष को, उस मुख्यमंत्री को। अब उसके बाद भी अगर वो बहुत काम करने वाले हैं तो वो जाने। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी उपचुनाव को चुनाव की तरह लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस चारों सीटों पर जीत का दावा कर रही है। आज भी सरकार विकास के लिए 2 साल और मांग रही। किस प्रकार रोज झूठी घोषणाएं की जा रही, किस प्रकार जनता को गुमराह करने का किया जा रहा है। आज किसान खाद को लेकर परेशान है, खाद का संकट चल रहा है, कोयले का संकट है, बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं। तमाम बातों को हमने इन चुनाव में जनता के बीच में पहुंचाया, जनता से कहा कि यह सब तस्वीर देखकर मतदान करें और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस यह चारों सीट भारी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इस उपचुनाव में सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन दोनों इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं। ये सही है कि इन बाई इलेक्शन के रिजल्ट से सरकार की सेहत पर कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, और आप देखेंगे कि उसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी दोनों एडी चोटी का जोर इस चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चुनाव चुनाव होता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि चुनाव को गंभीरता से न ले। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। चारों सीटों पर पूरी फौज लगा दी। 2 नवंबर को आने वाले चुनाव नतीजे 2023 का मिजाज बताने वाले भी साबित हो सकते हैं। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टी न्यूज़ स्टेट।